सो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू यूनिवर्सल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है फिर से। हाँ, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, जो भी नए कैंडिडेट है मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जैसे कि नई वीडियो है सबसे पास आपके पास पहुँचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, जो भी नए कैंडिडेट है जो नबी एमआर का तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो ये इन्हीं के लिए है प्रैक्टिस सेट। आज से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। ये फर्स्ट पहला प्रैक्टिस सेट है। चलिए तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, स्वतंत्रता से पूर्व गोवा पर स्पेस का शासनात्मक अधिकार था, तो बताइए कौन से। बताइए चार ऑप्शन दिया, ए बी सी डी देख लीजिए, पुर्तगाल, फ्रांस, स्पेन और डी दिया, इसमें से कोई नहीं, तो बताइए कौन सा था स्वतंत्रता पूर्व। पहले तो कौन अधिकार था, शासनात्मक अधिकार कोई किसके था, बताइएगा दोस्तों। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो पहला सही हो जाएगा, ठीक है, पुर्तगाल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है, भारतीय मानक समय सन में आरंभ हुआ, बताइए भारतीय मानक समय किस सन में आरंभ हुआ था। ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1857 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में, 1947 ईस्वी, 1906 ईस्वी में, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, बताइएगा। ऑप्शन डी सही होगा, 1906 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है तीसरा क्वेश्चन, कुमारी अपरवा पोपट खेल किस संबंधित है, बताइएगा। ए बी सी देख लीजिए, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, इनमें से कोई नहीं, तो बताइएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा था, बैडमिंटन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रकार असहयोग आंदोलन के नेता थे, बताइएगा असहयोग आंदोलन के नेता थे दोस्तों, तो आयोग सभी को पता होगा, ये थे महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दे दिया है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, बताइएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल सभी को पता होगा, तो मान लीजिए पहला कमल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित स्थान है, बताइएगा। जो गौतम बुद्ध के जन्म के स्थान कौन है, लुम्बिनी, ए बी सी देख लीजिए, लुम्बिनी, कालिंग, कुशीनगर, इनमें से कहीं नहीं, तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो ऑप्शन पहला सही होगा लुम्बिनी, और पूछेगा गौतम बुद्ध की जन्म पूछा है तो लुम्बिनी हो जाएगा, और मृत्यु कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिम बंगाल की राजधानी कौन सा है, बताइएगा दोस्तों। ए बी सी डी देख लीजिए, गुवाहाटी दिया है, सिलीगुड़ी दिया है, कोलकाता दिया है, इसमें से कोई नहीं दिया, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, कोलकाता हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी की हत्या में हुई कब हुई थी, बताइएगा। 1945, 1948, 1950, 1949 में, तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा अठारह क्वेश्चन का, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1948 ईस्वी में, ठीक है, महात्मा गांधी का मृत्यु हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, H1N1 वायरस की बीमारी फैलते हैं, बताइए कौन सा बीमारी फैलते हैं। ए बी सी डी देख लीजिए, एड्स, कैंसर, स्वाइन फ्लू और प्लेग, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा नौ का क्वेश्चन का, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्वाइन फ्लू, ठीक है दोस्तों, स्वाइन फ्लू ऑप्शन सी सही है, करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित से कौन सा जानवर मीन राशि से संबंधित है, बताइएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मीन राशि से संबंधित है, बताइएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, मछली, केचुआ, फेड़ या शेर या भेड़ या शेर, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। दसवें क्वेश्चन का तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मीन राशि से संबंधित है, कौन सा ऑप्शन होगा, जी हो तो मछली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन दिया, इसी प्रकार साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है, बताइए। साइना नेहवाल खेल से संबंधित रखती है, बताइए। बैडमिंटन, ए बी सी देख लीजिए, बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी या गोल्फ, तो बताइएगा दोस्तों 11 क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हो जाएगा बैडमिंटन, पहला सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार अगला दिया है, डाक पत्ते प्रयोग किए जाने वाले पिन नंबर का विस्थापित रूप है, बताइएगा कौन सा। डाक पत्ते का उपयोग किए जाने वाले पिन नंबर का विस्तारित रूप है, तो ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, पर्सनल आईडेंटिफिकेशन नंबर, और बी दिया है पोस्टल इंडेक्स नंबर, सी दिया है पोस्टल इंडियन नेमोरल, डी दिया है पोस्टल आईडेंटिटी नेमोरेलर, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों 12 का, तो 12 का क्वेश्चन ऑप्शन सही होगा, बी सही हो जाएगा, पोस्टल इंडेक्स नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दिया है, 13 क्वेश्चन, सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक है, बताइएगा। सिख धर्म के धार्मिक पुस्तक कौन सा है, ए बी सी डी देख लीजिए, गीता, कुरान, रामायण या गुरु ग्रंथ साहिब, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, बताइएगा। आई होप सभी को पता होगा, और ये क्वेश्चन का आप लोग जवाब जल्दी दे देंगे, तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताइएगा, ठीक है। लास्ट टाइम तो हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, ये ठीक, ये डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार 14 क्वेश्चन दिया है, मछली डैश संबंधित सांस लेती है, सॉरी
मछली किससे सांस लेती है बताइएगा, ए बी सी डी देख लीजिए। ये पहला दिया है, ए दिया है त्वचा, गुर्दा, फेफड़ा, गिल। तो बताइएगा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, 14 क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइएगा दोस्तों। तो ऑप्शन डी सही होगा, गिल से लेती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार दिया है, मणिपुर की राजधानी है बताइएगा दोस्तों, ए बी सी डी देख लीजिए, कोहिमा, इम्फाल, दिसपुर, ईटानगर। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा 15 क्वेश्चन का, तो हो जाएगा ये इम्फाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 16 क्वेश्चन दिया है सबसे पहला छाता किस देश ने बनाया था बताइएगा आप दोस्तों, सबसे पहले विश्व में सबसे पहले छाता किस देश ने बनाया था, भारत ने, जापान ने, चीन ने, इनमें से कोई नहीं था बताइएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है 16 क्वेश्चन का, तो कौन सा सही है अपना चीन सही है, चीन बनाया था सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 क्वेश्चन, सिकंदर महान भारत कब आया था बताइए दोस्तों, सिकंदर महान भारत कब आया था, ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा सही है बताइएगा दोस्तों कौन सा सही ऑप्शन, अपना प्रैक्टिस बताइएगा कितना आपको स्कोर था 25 में से आप लोगों का। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इससे क्या होता है ना आप लोग अभी देखेंगे कितना स्कोर था आप लोगों का। और रोज़ ये वीडियो रोज़ आता है और वीडियो को भी देखिएगा, और नए जो भी नए कैंडिडेट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। चलिए देखिए 18 क्वेश्चन दिया है, महाभारत में अर्जुन पुत्र थे किसके पुत्र थे, ए बी सी डी देख लीजिए, शकुनी के, पांडुओं के, या मतलब दुर्योधन के, या भीम के, भीष्म के, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 18 का दोस्तों, ऑप्शन बी सही है पांडु के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दे दिया, 9000 किस राज्य से रहने वाले हैं बताइएगा दोस्तों, महाराष्ट्र, ए बी सी देख लीजिए, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली या हरियाणा। तो बताइएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो पहला हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, अगला देख पहला महाराष्ट्र, 9000 कहाँ का रहने वाले हैं महाराष्ट्र के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लगान फिल्म किस खेल से संबंधित है, आई होप सबको पता होगा, सब फिल्म देखे होंगे तो ये ऑप्शन मार ही देंगे, तो क्रिकेट से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 क्वेश्चन, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ बताइएगा दोस्तों कब हुआ था, ए बी सी डी देख लीजिए, 15 अगस्त 1919 में, 20 जुलाई 1920 में, 19 जुलाई 1919 में, कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों 21 का, तो बताइएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये लीजिएगा 13 जुलाई 1919 में हुआ था जलियांवाला हत्याकांड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लज्जा नामक किताब की लेखिका का नाम है बताइएगा दोस्तों, लज्जा नामक किताब की लेखिका का नाम है, तो ए बी सी डी देख लीजिए कौन सा सही है, तो सही होगा, तो बताइएगा 22 क्वेश्चन का कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी सही है, तस्लीमा नसरीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 क्वेश्चन दिया है इसमें, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है बताइएगा दोस्तों, कौन श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इसमें से कोई नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों 23 का क्वेश्चन का, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है बताइएगा दोस्तों, ए बी सी डी देख लीजिए, देहरादून, चेन्नई, खड़क वाशाला और नागपुर, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा ये देहरादून। 24 क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही होगा, सॉरी 24 क्वेश्चन का सही हो जाएगा खड़क वाशाला सही मतलब सी सही हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है बताइएगा दोस्तों, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, आप तो बताइएगा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार या जम्मू कश्मीर, कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, तो ऑप्शन ए सही है। चलिए ठीक है, तो आज के प्रैक्टिस सेट हो गया ये, तो प्रिंट मिलते हैं फिर कल एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। अब बताइएगा मैथ के मैं भी जल्दी स्टार्ट करूँगा चैप्टर वाइज और कंसेप्ट ट्री के साथ, जो भी एम आर के पूछे जाते हैं, जो भी कैंडिडेट एम आर की तैयारी करते हैं, तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दिया, हाँ वीडियो को शेयर कीजिए कि जिससे कि दोस्तों को भी हेल्प किया मिल जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फिर।